दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। काशी व मथुरा को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई है जिसके बाद की विशेष संप्रदाय के लोगों में फिर से बेचैनी हो सकती है। अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी व मथुरा विवाद पर भी याचिका दाखिल की गई है। बता दें कि हिंदी पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी है। याचिका में काशी व मथुरा विवाद को लेकर कानूनी कार्रवाई को फिर से शुरू करने की मांग की गई है। बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज भी और भविष्य में भी उसी का रहेगा। हालांकि अयोध्या विवाद को इससे बाहर रखा गया था क्योंकि उस पर कानूनी विवाद पहले से चल रहा था। याचिका में कहा गया है कि इस एक्ट को कभी भी चुनौती पूर्व में नहीं दी गई है और न ही किसी कोर्ट ने न्यायिक तरीके से इस पर विचार किया है। गौरतलब है कि बाबरी विध्वंस से एक साल पहले नरसिम्हा राव की सरकार ने साल 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्पेशल प्रोविजन के तहत बनाया था। इस एक्ट से अयोध्या विवाद को तो बाहर रखा गया था लेकिन इस एक्ट से काशी व मथुरा जैसे कई धार्मिक स्थल के विवाद को एक तरह से खत्म कर दिया गया था। बता दें कि इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस भी संप्रदाय का था वो आज एवं भविष्य में उसी का रहेगा। इस एक्ट के आने के बाद अयोध्या को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर स्वामित्व विवाद वाले मसले खत्म कर दिए गए थे। इसके बावजूद गाहे बगाहे काशी व मथुरा का विवाद उठता रहा है। आपको बता दें कि यह एक्ट मान्यता प्राप्त प्राचीन स्मारकों पर लागू नहीं होता है। सभी प्रावधान 11 जुलाई 1991 को लागू माने गए हैं। चूंकि इस कानून के विरुद्ध जाना अपराध की श्रेणी में आता है एवं दंडनीय है, जिसमें कि 3 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकता है। बता दें कि स्पेशल वर्शिप प्रोविजन एक्ट को लेकर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं। शिया सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार इस कानून को खत्म करने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था कि स्पेशल कमेटी बनाकर कोर्ट की निगरानी में विवादित मस्जिदों के बारे में ठीक ठीक जानकारी इकट्ठा की जाए और अगर साबित होता है कि वे हिंदुओं के धर्म स्थलों को तोड़कर बनाए गए हैं तो उन्हें हिंदुओं को वापस कर दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या राम जन्म भूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए 3 एकड़ जमीन का समतलीकरण का कार्य पूरा होने के साथ अब राम मंदिर निर्माण की तैयारी भी तेज हो गई है। राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने जुलाई में भूमि पूजन में शामिल होने के लिए श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दे दिया है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय को बाबरी मस्जिद के बदले मिली 5 एकड़ जमीन पर किसी भी तरह का अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो सका है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दिए जाने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने 5 फरवरी को ही मंजूरी दे दी थी और अयोध्या में जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम धन्नीपुर तहसील सोहावल में थाना रौनाही से लगभग 200 मीटर पीछे 5 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने मस्जिद के लिए आवंटित भी कर दी है, जिसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन रहे जुफै फारूकी ने स्वीकार भी कर लिया था। गौरतलब है कि जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर के जो धाम कॉरिडोर है उसमें तेजी से कार्य बढ़ रहा है और अगले साल तक करीब ये बनकर तैयार भी हो जाएगा, जो कि बहुत ही भव्य होगा। और वहीं आपको बता दें कि काशी के ही काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई जो कि बनी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि खुद एक विवादित स्थल है और जिसका कि कोर्ट में भी
केस चल रहा है। वहीं दूसरी ओर जो काशी के अलावा मथुरा है, मथुरा के जो कृष्ण की जन्म स्थली है वहां पर भी जो मस्जिद बनी हुई है, इन दोनों जगहों पर हिंदुओं की विशेष आस्था है और ये दोनों मस्जिदें विवादित भी हैं। और जिस प्रकार से देश में लॉकडाउन है और इस तरह से जो काशी व अयोध्या की जो मंदिरों का निर्माण में तेजी है, इन दोनों जगहों को देखते हुए अब इस विशेष समुदाय के लोगों में बेचैनी बढ़नी भी लाजमी है। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि इस याचिका जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट दिया गया है कोर्ट में, अब इसका क्या फैसला आता है और उस पर क्या अमल होता है।